दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन। समस्त गुरु भगवंतों के गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियां, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, पर्युषण पर्व के चौथे दिन की ये पावन वेला आपके लिए आनंददायी, सुखदायी, मंगलदायी हो। आपका धर्म में ध्यान बढ़े, आपके जीवन में संतुलन बने, धर्म के संस्कारों का जागरण हो, यही पर्वाधिराज पर्युषण हमें संदेश दे रहे हैं। तो आज मैं एक विषय, देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी बोधर होकर नहीं बैठना, जिसको जाना हो वो जा सकते हैं, तो जो सुनना चाहेंगे वो सुन लेना, क्योंकि बाहर भी कुछ लोग सुन रहे हैं। तो मैं अपने विषय को थोड़ा 5-7 मिनट ऊपर हो जाए, लेकिन आप इजीली उठकर जा सकते हैं, जिनका मन उठने को लिए हो तो वो उठकर जा सकते हैं। तो और जो सुनेंगे ठीक है, लेकिन बाहर कुछ लोग सुनना चाह रहे हैं तो वहां तक मेरी आवाज बाहर पहुंचेगी। तो आज एक विषय मैं लेने जा रही हूँ। देखिए कुछ ये दिन ऐसे होते हैं, हम सब इकट्ठे होते हैं और गीली मिट्टी होती है, क्योंकि हृदय भीगा होता है, कुछ संवेदनाओं से भरा होता है, इन दिनों का कुछ जज्बा ही ऐसा होता है। तो इन दिनों में हो सकता है कोई बात हमारे हृदय को लग जाए, जो समाज में कुरीतियां बुराइयां बढ़ रही हैं, उनमें से किसी पे रोक लग जाए, हमारे भीतर में कोई शब्द ऐसा जागरण कर जाए कि हम बुराई के मार्ग पर जो आगे बढ़ रहे हैं हम उनसे बच जाए। तो ऐसा हो सकता है इन दिनों में। तो इसलिए कुछ अलग अलग विषय पर, और जो आज हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवारों में बढ़ रहे हैं, उन विषयों को लेकर ही मैं चाहती हूँ कि आज जो हमारे बुजुर्गों की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, जो हम अपने आप को जवानी की मदहोशी में या इस आधुनिकता के वातावरण में अपने सारे नैतिक मूल्यों को भूल गए हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा भीतर आए। पर्युषण पर्व मनाना बहुत सार्थक है। आज जितना ये मीडिया जागरूक है ना, और इसमें इतनी सारी पोस्ट डाली जा रही हैं, इतने सारे वीडियोज, इतने सारे मैसेजेस, किसके, माता पिता के, लेकिन वो डालने वाला क्या सोचता है, उसकी दृष्टि क्या होती है कि मेरी पोस्ट सबसे ज्यादा अच्छी हो, मेरी पोस्ट को लाइक किया जाए, इसमें लाइक आए, इसको और कुछ भी भाव नहीं होता। घर में एक शेखी वाली बात है, शेखी मारना, शेखी बगारना, अपने आप को ऊंचे दर्जे पर लेकर जाना, लेकिन घर में माता पिता की हालत चाहे कितनी भी बदतर हो, बस मेरी पोस्ट को लाइक करना चाहिए, मुझे, मैंने इतना अच्छा लिखा, इतना अच्छा वीडियो भेजा। आज हम बाहर का जीवन जी रहे हैं, बाहर बाजारू जीवन, हमारा जीवन सारा बाजारू है, बाजार के हो चुके हैं हम लोग, और यही हम दिखाने के लिए अपने आप को प्रूव करते रहते हैं। तो कल माँ पर सुना था, आज मैं थोड़ा सा पिता पर बोलना चाहूंगी, वेरी वेरी हार्ट टचिंग विषय, पिता। पिता क्या है, मैंने एक गीत लिखा पिता के ऊपर, माँ के ऊपर बहुत सारे गीत बने हैं, लेकिन ये गीत मैंने पिता पर लिखा है। तो आप, मेरा विश्वास है कि बड़े प्यार के साथ इस गीत को सुनेंगे। ये गीत मैं गाऊंगी, पिता के ऊपर है ये गीत। खुशियों की शाम जहां स्वर्णिम सवेरा, जिसको मिला है पिता साथ तेरा। खुशियों की शाम है स्वर्णिम सवेरा, जिसको मिला है पिता साथ तेरा। उंगली पकड़ी के जो चलना सिखाता, बेटे की हर फरमाइश पर कुर्बान जाता। आसमां से ऊंचा है पिता प्यार तेरा, जिसको मिला है पिता साथ तेरा। जीवन की दौलत जो पुत्र पे लुटा दे, पाई पाई देकर उसकी जिंदगी सजा दे। आ, 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 आने न दे जो गमों का
पिता साथ तेरा, सब कुछ देकर भी क्यों रोता पिता है, वृद्ध आश्रम में क्यों तड़पता पिता है, कर्ज चुकाने का क्या है फर्ज तेरा, जिसको मिला है पिता साथ तेरा, दर्द जरा दिल में भर के एक बार सोचो, पल पल रोती उन आँखों को देखो, जिसको मिला है पिता साथ तेरा। पिता आसमां से ऊंचा, आसमां की ऊंचाई को एक बार नाप सकते हो, लेकिन पिता के दिल में अपनी संतान के लिए जो प्यार होता है उसे आप कभी नाप नहीं सकते। जब धन का बंटवारा करते हो कैसा होता है तुम्हारा दिल, तो मैं कहती हूँ आपको, एक धन भी अपने साथ रख लेना, वो जिंदगी का सबसे बड़ा धन है। माता और पिता उसका बंटवारा ना होने देना जिंदगी में। अगर सच्चे पुत्र हो तो कभी माता पिता का बंटवारा मत करना। हमारी भारत की संस्कृति सिखाती है, राम जैसा पुत्र, श्रवण जैसा पुत्र, ऐसे पुत्र भी हुए हैं, उन पुत्रों को याद करके कोई राम बनने की कोशिश नहीं करता, कोई श्रवण बनने की कोशिश नहीं करता। पिता अपनी परवाह किए बिना, छोटी छोटी चीजों में तो आपको माँ की याद आती है, कहते हाय माँ हाय माँ, कोई भी तकलीफ होती है तो क्या मुंह से निकलता है, और जब बड़ी मुसीबत आती है तो किसका नाम निकलता है, एकदम सामने से ट्रक आ रहा हो और एकदम बचने का रास्ता हो तो क्या बाप रे मर गए, क्या निकलता है मुंह से, बाप निकलता है, पिता निकलता है मुंह से। जो अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना अपने जीवन की सारी खुशियां अपने बच्चे पर न्योछार करता है, आप गंदे कपड़े पहनता है, आप कम खा लेता है, दिन भर मेहनत करता है, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे कपड़े और अच्छा खाते देखकर पिता खुश होता है। बच्चे ने कहा पापा मुझे नए जूते चाहिए, बेटा ला दूंगा। पापा मुझे अब की बार पुरानी बुक्स नहीं लेनी, मैंने भी और दोस्तों की तरह नई बुक्स लेनी है। कोई बात नहीं मेरे लाल, चिंता ना कर, अब की बार तुझे नई बुक्स ही ला कर दूंगा। पापा मेरी टिफिन बोतल सब चीजें मुझे अपने दोस्तों के जैसी नहीं चाहिए। हाँ बेटा मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मन में सोचता है, लेकिन अपने बच्चे के अरमानों को पूरा करूंगा। मैंने जिंदगी में जो कमी देखी है वो अपनी संतान को नहीं होने दूंगा। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, पापा मुझे लैपटॉप चाहिए मोबाइल चाहिए। आपके बच्चे मांगते हैं, देते हो ना, लैपटॉप भी देते हो और मोबाइल भी बच्चों को देते हैं। बच्चा और बड़ा होता है, उसके सारे अरमान उसका पिता पूरा करता है, बच्चे के बच्चियों के। बच्चा बड़ा होता है, अपना ऑफिस खोल लेता है, पढ़ लिख कर तैयार हो जाता है, शादी हो जाती है, आने वाला कल कैसा है। बच्चा बेटा युवा होकर ऑफिस जा रहा था, पिता ने आवाज दी, मुन्ना 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 मेरी बात सुनता जा बेटा, पापा जल्दी बोलो, मुझे ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है, देर हो रही है, बोलो जल्दी क्या बात है। बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, जरा नया चश्मा बनवा देना। क्या है पापा, ये भी कोई जरूरी बात थी, कल कह देते, दो चार दिन बाद कह देते, और कोई जरूरी बात हो तो, चश्मे का आप क्या करोगे, क्या जरूरत है आपको। बेटा घर में अकेले बैठा रहता हूँ, खाली बैठा रहता हूँ, थोड़ी सी जैन कहानियां पढ़ लूंगा। अरे पापा इतनी बार पढ़ चुके हो, आप मेरा टाइम वेस्ट कर
रहे हो? कोई बात नहीं मुन्ना, चला जा, मैं तेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। पापा चुपचाप बैठ गया और बेटा बेटा चला गया। बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई। आपके पापा कितने गंदगी फैलाते हैं, दिन भर कभी खांसी करते हैं, इधर उधर बलगम फेंकते रहते हैं। अरे एक ही काम हो सकता है, वही काम अच्छा है, इनको वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ तो हमारी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा और इनकी जिंदगी में भी। पिता ने क्या सोचा था? आप अच्छे हैं, संस्कारित हैं, आप पिता की इज्जत करना जानते हैं, आप अपने गले से लगाकर अपने पिता को रखते हैं। लेकिन इस दुनिया में जहां जहां तक ये संदेश पहुंचेगा, कितने लोग ऐसे हैं जो, हम तो बहुत सारे वृद्ध आश्रम में रुक के आए हैं और वहां लोगों की हालत को देख कर आए हैं, कैसे रोती हैं वो बूढ़ी आंखें और कहते हैं गुरुजी हमारा दर्द ना पूछो तो अच्छा है, हमारा दर्द ना पूछो तो। इतनी एजुकेटेड फैमिली से वो बूढ़े बुढ़िया वहां पर आकर रह रहे हैं जो अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, जिसको आज के आधुनिक युग में अच्छे एजुकेशनल लोग वृद्ध आश्रम में रहते हैं और उनकी मायूस आंखों में एक उदासी, एक बेचैनी, एक इंतजार सा बना रहता है। आपको एक बात बताती, एक युवक अपने ड्राइंग रूम में बैठा है, सच्ची बात है ये, अपने ड्राइंग रूम में बैठा है, फोन की घंटी बजती है, वो फोन उठाता है, उधर से आवाज आती है, हेलो गुरजीत प्राजी बोल रहे हो? हां जी बोल रहा हूं। नमस्ते भैया। नमस्ते जी, हम जगवाणी रेडियो से बोल रहे हैं। जगवाणी रेडियो चलता है ना इधर पंजाब में? हम जगवाणी रेडियो से बोल रहे हैं, हम एक बात आपसे कुछ बधाई के तौर पे कुछ शब्द चाहते हैं। क्या? कि फादर्स डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, बड़े बढ़ चढ़कर के लोग फादर्स डे मनाते हैं, आप भी मनाते हैं ना, बड़ी बड़ी पोस्ट डालते हैं फादर्स डे पे। आजकल की युवा जनरेशन तो बहुत मनाती है, घर में चाहे पापा को जय जिनेन्द्र बोले ना बोले, लेकिन घर में पिता को माँ को चाहे जय जिनेन्द्र तक ना बोले, उनका चेहरा तक ना देखे, लेकिन फादर्स डे पे याद आ जाता है। और फिर क्या डालते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ये चीजें याद आ जाती है, वहां पर बड़ी बड़ी पोस्टें होती है, पूरा भरा होता है। पिता की हालत घर में चाहे कैसे, उसको एक गिलास पानी भी ना पूछे, उसको एक दवाई, पिता को कहीं जाना है एक दवा के लिए भी ना पूछे, वो घर में बूढ़ा बेचारा अपनी रोनी सूरत को लेकर बैठा हुआ है। तो भाई साहब, जो फादर्स डे पे आप पिताजी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, आज के युवाओं को पिता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, पिता हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर है, ध्यान से सुनते जाना, मेरे शब्दों से दूर मत जाना, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को पूरा करूंगी। देखो जी, आजकल के बच्चों को अपने पिता की कद्र करनी चाहिए, पिता से बढ़कर जिंदगी में कोई भी नहीं है। दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, पैसे से हम हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन माता और पिता और उनका प्यार नहीं खरीद सकते। तो फिर गुरजीत जी, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि आजकल के बच्चों को, जब हमें माता पिता की कदर करनी चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, जो बच्चे छोटे होते पिता की कदर करना जानते थे, पिता के आने तक सोते नहीं थे, इंतजार करते रहते थे कि पापा मार्केट गए हैं, मार्केट से कोई चीज लेकर आएंगे, मैंने ये सामान बोला है, मैंने वो सामान बोला है, और आते ही पापा को जफ्फी पाकर कहते थे मेरे पापा द ग्रेट, है ना, सब चीजें बचपन में पापा को जफ्फी पाकर बोलते हैं, मेरे पापा द ग्रेट, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, मेरे लिए इतनी सी अच्छी चीजें लेकर आए हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि अचानक वो पिता दुश्मन बन जाता है, वो पिता अच्छा नहीं लगता, उस पिता की कोई बात वो दो बार पूछता है तो कहते हैं तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है, तुम्हें अकल नहीं है, बार बार मेरा भेजा खराब करते हो, 10 बार एक ही बात पूछते हो, आपको याद नहीं आती तो चुप रहा करो। ऐसा क्या हो गया है बच्चों को? ऐसी कौन
सी देखिए, फिर कुछ लोग आज के कह देते हैं कि बच्चों को क्या हो गया है, जनरेशन गैप। आजकल के युवा क्या कहते हैं? आजकल के बच्चे तो आकर ये कहते, पापा और मैं हम दोनों शॉप पे इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते, पापा की बात मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनकी पुरानी सोच है, उनकी सोच मुझसे मैच नहीं करती, उनकी फीलिंग मुझसे मैच नहीं करती, इसलिए मैं नहीं। माँ को कह देता है बच्चा कि पापा दुकान पे जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, पापा ऑफिस में वहीं पर बैठेंगे तो मैं उनके साथ, कहते हैं आज के बच्चे। और बहानाबाजी क्या करते हैं? गैप किस चीज का है? जनरेशन गैप। अरे जनरेशन गैप तो पहले के बच्चों के लिए भी होता था, जो पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे, जो पिता का सम्मान बनाने के लिए हर चीज से गुजर जाते थे। आज की युवा पीढ़ी को कौन सा रोग लग गया है? आज कैसी मानसिकता आ गई है कि बाप की बात अच्छी नहीं लगती, बाप के साथ एक जगह खड़े नहीं होना चाहते, किसी पार्टी में भी पिता के साथ बैठना नहीं चाहते? क्या हो गया है? वो गुरजीत कहने लगा, देखो प्राची, ये बात बहुत बुरी है। अगर बच्चे इस तरह से अपने पिता की अवहेलना करते हैं, पिता का कहना नहीं मानते, पिता को दुश्मन कर समझने लग जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, जो पिता की कदर नहीं करते। मेरे हिसाब से तो पिता से बड़ा दोस्त इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं हो सकता। पिता हमें सबसे अच्छा रास्ता दिखाते हैं, पिता की बातें अब नहीं, कहते हैं कि आंवले का खाया और बड़ों का कहा बाद में याद आता है। आंवला खा लो उस समय कड़वा लगता है, लेकिन बाद में पानी पियो तो कितना मीठा लगता है। ऐसे ही बड़ों की बात होती है, पहले खराब लगेगी लेकिन अगर उसका रिजल्ट निकाल कर देखोगे तो वो बात तुम्हारा जीवन संवारने वाली बनेगी। आपके तो बहुत अच्छे विचार हैं गुरजीत जी, सच में पिता को जो फ्रेंड समझकर अपने जीवन को आगे लेकर जाते हैं उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। तो गुरजीत प्राजी, हमारे इधर नजदीक ही एक वृद्ध आश्रम है, हम उस वृद्ध आश्रम में गए थे, वहां से एक बुजुर्ग की 2 मिनट की रिकॉर्डिंग करके लाए हैं, क्या आप उस रिकॉर्डिंग को सुनना चाहोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, सुन लूंगा, सुना दो। तो सुनो ये रिकॉर्डिंग सुनो, वहां से एक बुजुर्ग की आवाज आ रही है, मैंने अपने जीते को क्या कहना है, मैं तो बस यही कहूंगा कि वो समझदार हो गया है, तेरा बापू सर्जन सिंह बोल रहा है। बेटा अगर कहीं मेरी आवाज समझ रहा है, सुन रहा है तो सुन ले, 5 साल हो गए मुझे इस आश्रम में छोड़ कर गया है, 5 साल से निरंतर इंतजार कर रहा हूँ, एक बार भी मिलने नहीं आया, लेकिन हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही होगी, बच्चे आजकल के ज्यादा समझदार हो गए हैं, उसने अपने घर की व्यवस्था को देखकर ही मुझे ये प्लानिंग की होगी कि वो मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ गया, 5 साल हो गए मुझे यहाँ रहते, एक बार भी मुझे मिलने नहीं आया, हम यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 लोग आपस में बैठकर अपना दर्द सुख दुख बांट लेते हैं, कभी कोई आ जाते हैं यहाँ पर दिवाली के दिन मिठाई का डिब्बा दे जाते हैं, क्योंकि उनके पास माता पिता नहीं है, वो आकर हमें माता पिता समझने लग जाते हैं, कभी जन्मदिन पे आ जाते हैं, कोई शर्ट दे के चला जाता है, कोई खाने पीने का सामान देकर चला जाता है। लेकिन मेरी गुरजीत की तो बात ही अलग थी ना, जो मेरे जीते के पास है वो किसी के पास नहीं हो सकता, जो वो आकर अपने बापू को संभाल सकता है, 2 मीठे बोल बोल सकता है, उसकी याद मुझे हर रोज आती है, और बचपन की एक बात मुझे उसकी बहुत याद आती है, मैं साइकिल पे आगे की छोटी सी सीट पे उसे बिठा कर लेकर जा रहा था, एकदम उसकी पांव की एड़ी साइकिल में आ गई, बहुत बड़ा कट लगा, मैंने एकदम अपनी साइकिल दूर फेंकी, जल्दी से पानी से उसका पांव धोया, अपना रुमाल निकाल कर उसके पांव पर बांधा, उस दिन मैं इतना रोया कि मेरी सारी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, और उस दर्द को आज भी याद करके मुझे बहुत दर्द होता है, मैंने क्या कहना, क्या संदेश देना, क्या कुछ कहना, बस मैं अपने जीते को यही कहना चाहता हूँ, बेटा तू जहां भी है, जो मुझे पेंशन मिलती है ना 1500-1600 रुपए, ये भी तू ले लिया कर हर महीने की, ले
बार मुझे आकर मिल जाया कर, साल में एक बार मुझे आकर मिल जाया कर। मैं ये नहीं कहता कि तू मुझे घर ले जा, बस मैं तो यही कहता हूँ सिर्फ एक बार साल में आकर। देख कितने कितने लोग आते हैं, पराए लोग आ जाते हैं, तू तो मेरा अपना बेटा है, तू तो एक बार मुझे आकर मिल जाया कर। बस मैंने और कुछ भी नहीं कहना। जो जगवाणी रेडियो से बोल रहे थे वो कहने लगे, हेलो गुरजीत जी, गुरजीत जी सुना आपने? उधर से कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक सुबकने की आवाज आ रही है, सिसकने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। वो गुरजीत जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो कोई और नहीं, उसी सर्जन सिंह का बेटा था, जो 5 साल हो गए थे अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आया। और पिता की दुआएं देख रहे हो, पिता क्या कह रहा है, सिर्फ एक बार वृद्ध आश्रम में ही आकर मिल जाया कर। तो उधर से जगवाणी रेडियो वाले कहने लगे, इनका बेटा कहीं खोया नहीं, इनका बेटा कहीं गया नहीं, बस इन्होंने अपने पिता को वृद्ध आश्रम में भेज दिया। उसी समय तड़प कर आवाज आई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं आज ही इसी वक्त अपने पिता को लेने जाऊंगा। पिता की ऐसी आवाज सुनकर मैं तड़प गया हूँ, मैं अपने पिता को और ज्यादा देर गुर। ये जगवाणी रेडियो वाले इस तरह से बेटे को और पिता को मिलाने का काम करते हैं। आज इंसान बड़ी बड़ी बातें करता है अपने पिता के लिए, अपने माँ के लिए, अपने दोस्तों के बीच में खड़ा होकर, लेकिन सच बताओ, जो अपने पिता को वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखाता है, जो अपने माता पिता को अकेला छोड़ देता है मरने के लिए, मरने वाली जिंदगी ही तो है, इस तरह से अकेला छोड़ देता है, वो बेटा बेटा कहलाने के काबिल है? ऐसी संतान से तो ना होना ही अच्छा है। ऐसी संतान जिनको नहीं मिलती वही अच्छा है। कितनी खुशियां मनाते हैं माता पिता, आज पिता का दिन है। आप भी एक प्रतिज्ञा करके जाना, अगर आपके जीवन में पिता है तो पिता को दर्द मत देना, पिता को कोई कड़वा वचन मत बोलना, पिता को ऐसी जबान मत बोलना। ठीक है उनकी बात गलत लगे तो समझा सकते हैं, कह सकते हो ये मुझे बात खराब लगी। कोई पिता पार्शलिटी करता भी नजर आएगा, दूसरे बेटे से प्यार करेगा, आपको कम करेगा, ऐसे भी जीवन में पिता, लेकिन फिर भी एक बात सोचनी है तो मेरा पिता अपना खून देकर मुझे सींचा है, मुझे बड़ा किया, मेरी खुशियों का ख्याल रखना, ये बड़े का पुण्य था जो उसको मिल रहा है, पिता का प्यार उसके ऊपर आ रहा है, लेकिन मेरा भी तो पिता है ना, मुझे भी तो संभालनी है पिता की जिम्मेदारी। इस तरीके से सोचकर जब भी मैंने इस बात को सुना तो मेरा भी रोम रोम कांप गया। पिता दुआ देता रहा और बेटा वृद्ध आश्रम का मार्ग दिखाता रहा। पत्नी ने आके शर्त रख दी, घर में या तुम्हारे पिता रहेंगे या, और छोटा सा बच्चा आकर माँ से चीज मांगता है, फटाफट तैयार करती है, वो घर का बुजुर्ग मांगता है तो मना कर देते हैं, नहीं है, खत्म हो गई है। इतना पाप भी करते हैं ना, ऐसा भी करते हैं कि अपने बच्चे ने जो चीज मांगी, माँ देखो कैसी होती है, बहू कैसी होती है, अपने बच्चे के लिए पूरी रात जागेगी और फिर भी सुबह उठकर सारा काम करेगी, और बड़े बुजुर्गों के लिए रात को एक रात भी जाग जाए तो पति के सिर पर कितना एहसान करेगी पता है? तुम्हारे पिता ने पूरी रात भर मुझे सोने नहीं दिया, तुम्हारी माँ ने मुझे सोने नहीं दिया, अब मुझे आराम करना है, आप अपने आप बाजार से खाना मंगवा लेना, हो जाएगा बच्चों का, मेरे से कोई काम नहीं होता, कहते हैं ना ऐसा, घर के हालात है ना ऐसे। ऐसे हालात क्यों है जहां पर बड़ों का सम्मान नहीं है, सत्कार नहीं है? पिता अपना सब कुछ देकर अपनी संतान का पालन पोषण करता है, हार से हार वर्क करके अपने बच्चे के लिए हर सुविधा जुटाता है। तो आज के इस आधुनिक युग में आज के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बाहर की इस फैर शुभी को छोड़कर बाहर की इन
अपने आप को बनाने की, इस आधुनिकता में धकेलने की चीजों को छोड़कर अपने आप को शो ऑफ करने की चीजें छोड़ दो। घर में तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है अगर तुम्हें माता पिता मिले हैं, तो कम से कम सुबह उठकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना, दुनिया की हर चीज को बांट देना जो तुम्हारे पास है, लेकिन अपने माता पिता को कभी भी मत बांटना। उनका पुण्य उदय होता है जिनके ऊपर माता पिता का साया रहता है। बुजुर्गों का साया, बुजुर्गों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। बड़ी से बड़ी बला टल जाती है। एक बार को तुम मंदिर में मत जाना, लेकिन पिता के चरणों में झुक जाना। एक बार को तुम बाहर लंगर मत लगाना, लेकिन अपने पिता को खाना पूछ लेना। एक बार तुम वैष्णो देवी मत जाना, लेकिन घर बैठी माता के दर्शन कर लेना। एक बार को तुम गायत्री मंत्र, नवकार मंत्र पढ़ना भूल जाना, लेकिन माता और पिता का प्रणाम का मंत्र मत भूल जाना। बस इतना सा ही कहना चाहती हूँ कि जिसने पिता की कद्र कर ली उसका जीवन समर गया, और जिसने अपने पिता को ठुकरा दिया उसने अपने भाग्य को, अपने घर के सुख चैन अमन समृद्धि सभी चीज को ठुकरा दिया। इसलिए बड़ों को गले से लगाकर रखो। बड़े तो छोटे बच्चे की तरह बन जाते हैं, छोटे बच्चे की तरह छोटी सी चीज में खुश हो जाते हैं। एक बार पिता के पैर पड़े और जरा सा उनको प्यार किया, वो एकदम प्यारे बनकर आशीर्वाद देते हैं। तो कभी भी अपने पिता को बाहर मत भेजना। अगर भेजा हुआ है, दूसरे भाई के पास रहता है, तो पिता को हमेशा के लिए अपने घर में ले आओ। ये सोचो कि मैंने अपने पिता की सेवा करनी है, मैंने अपनी माँ की सेवा करनी है, ये सौभाग्य मुझे मिला है। और उसमें सहयोग किसका होगा? जो देवियां अपने पिता और माता को खुश देखना चाहती हैं, वो अपने सास ससुर की थोड़ी सी सेवा कर लेना। पति के पिता को अपना पिता समझोगी तो तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे पिता को अपना पिता समझेगी। एक बच्चा, एक युवक आया गुन्नी जी महाराज साहब को आके, कहने लगा मेरा हाथ देखकर बताना मेरा पप्पू मेरी सेवा करेगा। महाराज साहब मेरा हाथ देखकर बताओ मेरा पप्पू मेरी सेवा करेगा। गुन्नी जी ने कहा आप भी किसी के पप्पू हो, इस हाथ दे और उस हाथ ले वाली कहावत है। अगर तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो तो तुम्हारा पप्पू तुम्हारी सेवा जरूर करेगा, अगर तुम सेवा नहीं करते तो तुम्हारा पप्पू। तो इसलिए लेकर जाना इन शब्दों को अपने साथ, छोड़कर मत जाना। इसी के साथ ओम शांति।